हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में ओके okay? तो ये पंप क्या होते हैं पंप एक हाइड्रोलिक मशीन होती है पंप एक हाइड्रोलिक मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है ठीक है अब ये हाइड्रोलिक एनर्जी जो निकलती है ये प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में निकलती है ठीक है तो पंप एक हाइड्रोलिक मशीन हो गया जो कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हाइड्रोलिक एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में निकलता है अब एक ऑलरेडी पंप हम पढ़ चुके हैं जो है सेंट्री फ्यूगल पम्प जिसका ऑलरेडी प्ले अपलोडेड है ओके okay? अगर आपको वो प्लेलिस्ट देखना हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं ठीक है अब उसमें हमने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस की हुई है अब उसको सेंट्रीफ्यूगल पंप क्यों बोलते हैं इसे रेसिप्रोकेटिंग पंप क्यों बोलते हैं उसे सेंट्रीफ्यूगल इसलिए बोलते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी से जो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करके हम मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इसलिए उसका नाम सेंट्रीफ्यूगल पंप है यहाँ पर हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन का यूज करेंगे ओके इस पंप में हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन का यूज़ करेंगे प्रेशर एनर्जी हाइड्रो लिक्विड की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाने के लिए इसलिए इसका नाम रेसिप्रोकेटिंग पंप है ओके अब जब आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल गया है तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन जैसे ही आता है तो सबसे पहले आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि यहां पे एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होना चाहिए ओके रेसिप्रोकेटिंग मोशन जैसे ही यहां पर आ गया तो सबसे पहले ध्यान में ये आएगा कि यहां पर एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होना चाहिए जो आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में हेल्प करेगा ओके नाउ इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का प्रिंसिपल क्या है अब प्रिंसिपल में हमें बेसिकली प्रेशर एनर्जी को बढ़ाना है ओके तो यहाँ पर हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन का यूज़ करेंगे तो ये हमारा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है तो लिक्विड जब इस सिलेंडर में भर जाता है तो इस पिस्टन की हेल्प से इस पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन की हेल्प से हम उस लिक्विड को पुश देते हैं फोर्स देते हैं जिसकी वजह से उसकी प्रेशर एनर्जी बढ़ जाती है और वो डिलीवरी पाइप के थ्रू निकल जाता है सो पुशिंग अ लिक्विड विद द हेल्प ऑफ पिस्टन बाय इट्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन ओके इंक्रीजेज इट्स प्रेशर एनर्जी यही इसका क्या है वर्किंग प्रिंसिपल है ओके आई होप आपको पंप समझ आ गया है और इसको रेसिप्रोकेटिंग पंप क्यों बोलते हैं और हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ओके okay? नेक्स्ट आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे अब इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है ठीक है यहाँ पर सम्प है वाटर रिजर्वायर है जहाँ से सक्शन पाइप के थ्रू पानी आना है सिलेंडर में और इस पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन के हेल्प से वो पानी वो लिक्विड जो है वो ऊपर चला जाएगा ठीक है डिलीवरी पाइप में चला जाएगा नाउ अब इसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने के लिए एक पिस्टन रॉड है जो कि कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड है एंड फाइनली वो क्रैंक से कनेक्टेड है ठीक है तो ये क्रैंक का जो रोटेशन मोशन है ये इस पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करता है अब इसको कंटिन्यू रोटेशन मोशन प्रोवाइड करने के लिए हम यहां पर एक मोटर अटैच किए हैं सेंटर पे ठीक है तो बेसिकली अगर आप देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है वो पहले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हाइड्रोलिक एनर्जी में या फिर बोल सकते हैं प्रेशर एनर्जी में लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप मींस पंप का मतलब क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करना ओके okay? इसीलिए इसके कंस्ट्रक्शन में हम ये पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे ठीक है मोटर को इस कंस्ट्रक्शन के पार्ट में कंसिडर नहीं करेंगे तो इसके कंस्ट्रक्शन में बेसिकली कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पार्ट जो होगा वो आपका होगा ये यहां से लेकर यहां तक का जो अरेंजमेंट है दैट इज सिलेंडर सिलेंडर पिस्टन पिस्टन रॉड कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक ओके ये यहां से यहां तक का पूरा अरेंजमेंट हो गया नाउ इसके अलावा हमारे पास है सक्शन पाइप सक्शन पाइप एंड सक्शन वॉल्व तीसरा है हमारे पास डिलीवरी पाइप एंड डिलीवरी वॉल्व बस इतनी ही सी चीजें इसके कंस्ट्रक्शन में आती हैं ओके आपको समझ आ गया कि हमने इलेक्ट्रिक मोटर क्यों नहीं कंसिडर किया इसके कंस्ट्रक्शन में क्योंकि पंप जो है वो मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है ठीक है इसलिए हम इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं ऑल्दो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से ही हम पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं ठीक है यही इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट है अब आते हैं इसके वर्किंग पार्ट पे अब आते हैं इसकी वर्किंग पे ओके okay? तो मेन काम इसका यह है कि हमें लिक्विड को मोशन प्रोवाइड करना है ओके okay? लिक्विड को मोशन प्रोवाइड तभी कर पाएंगे जब पिस्टन रॉड रॉड के पास रेसिप्रोकेटिक मोशन होगा और इसके पास रेसिप्रोकेटिक मोशन तभी होगा जब ये क्रैंक रोटेट होगा और एक कैंक तभी रोटेट होगा जब इलेक्ट्रिक मोटर ऑन होगा ओके okay? तो सबसे पहला काम यह है कि आप इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन करेंगे जिससे ये क्रैंक घूमने लगेगा अब इस क्रैंक के रोटेशन मोशन से इस पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलेगा इसको थोड़ा समझते हैं जब ये क्रैंक इस पोजीशन पर है ओके फॉर एग्जांपल ये ए पोजीशन पर है तब ये जो पिस्टन है ये एक्सट्रीम लेफ्ट पर होगा यहां पर कहीं ओके okay? जब ये ए पोजीशन पर है तो ये पिस्टन एक्सट्रीम लेफ्ट पर होगा अब जैसे ही ये ऐसे मोशन चालू करेगा जैसे ये मोशन ऐसा चालू करेगा और यहां पर पहुंचेगा बी पोजिशन पर इस बी पोजिशन पर तब ये जो पिस्टन है ये अपना एक्सट्रीम राइट एंड पर होगा ठीक है जैसे हम डेड सेंटर बोलते हैं ओके तो जैसे ये बी पर पहुंचा तो ये पिस्टन यहां से यहां आ गया तो इसके 180 डिग्री रोटेशन से पिस्टन का एक यहां से यहां मोशन कंप्लीट हुआ वैसे ही जब ये क्रैंक जो है यहां से ए पर आएगा वापस इसके थ्रू इस वे के थ्रू तो ये पिस्टन रॉड जो पिस्टन जो है ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ जाएगा और वैसे ही ये घूमता रहेगा और ये आगे पीछे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता रहेगा ओके नाउ जैसे ही ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ जाते हैं तो पिस्टन इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ मूव करता है जैसे ही पिस्टन पीछे जाता है तो इस एरिया में इस एरिया में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है अब अगर मैं बोल रहा हूं वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो वैक्यूम का मतलब है कि प्रेशर जो है वो लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाता है ओके okay, वैक्यूम का क्या है मतलब है कि प्रेशर जो है वो लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाता है अब यहां का प्रेशर लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर हो गया और इस सम्प का लेवल जो है क्योंकि ये ओपन टू एयर है इसलिए यहां पर जो प्रेशर है वो एटमोस्फेयरिक प्रेशर है ओके okay? यहां का जो प्रेशर है वो एटमोस्फेयरिक प्रेशर है अब क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो चुका है यहां पर यहाँ का प्रेशर ज्यादा है और पिस्टन सिलेंडर के अंदर का प्रेशर जो है वो कम है इसलिए वो, लिक्विड जो है वो यहां से सक्शन पाइप के थ्रू होते यहां पर सिलेंडर में एंटर कर जाता है ओके इस टाइम पे सक्शन वॉल्व जो है ऑब्वियसली वो ओपन होता है और डिलीवरी पाइप जो है वो क्लोज होता है अच्छा ये जो दोनों पाइप है सक्शन और डिलीवरी पाइप ये दोनों वन वे वॉल्व है ओके सक्शन और डिलीवरी वॉल्व जो है वो वन वे वॉल्व है मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे वो लिक्विड का मोशन अलाउ करेंगे ओके आई होप आपको समझ आ गया तो क्योंकि यहां पर वैक्यूम क्रिएट हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो गया इसलिए यहां से संप से सक्शन पाइप के थ्रू होता हुआ लिक्विड जो है वो सिलेंडर पे आ गया ओके okay? अब पिस्टन जो है अपनी इस एक्सट्रीम पोजिशन पर आ गया है और यहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड आ गया ओके okay? अब क्योंकि ये कंटिन्यू मूव कर रहा है तो पिस्टन अब आगे की तरफ मूव करेगा जैसे ही पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा तो यहां पर प्रेशर बढ़ने लगेगा जैसे ही यहां पर प्रेशर बढ़ेगा सक्शन वॉल्व बंद हो जाएगा डिलीवरी वॉल्व खुल जाएगा और वो जो लिक्विड है वो हाई प्रेशर एनर्जी के साथ डिलीवरी पाइप से होता हुआ यहां से बाहर निकल जाएगा ओके आई होप आपको समझ आ रहा है ओके okay? तो एक बार फिर से हम पूरा वर्किंग देख लेते हैं यही इतना ही इसका वर्किंग है एक बार फिर से हम पूरा वर्किंग देख लेते हैं जैसे ही हम मोटर को ऑन करेंगे तो क्रैंक घूमने लगेगा क्रैंक के घूमने की वजह से पिस्टन पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन आ जाएगा ओके okay? नाउ पिस्टन जैसे ही इस एंड से इस एंड पे जाएगा तो यहां पर वैक्यूम क्रिएट होगा और वैक्यूम का मतलब है कि जो प्रेशर है वो लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर है और जो संप का प्रेशर है संप का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना यहां पर प्रेशर है क्योंकि ये ओपन टू एयर है तो क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है यहां पर प्रेशर ज्यादा है यहां पर सिलेंडर में प्रेशर कम है इसलिए लिक्विड जो है वो यहां से यहां फ्लो होता है ओके इस टाइम पे सक्शन वॉल्व ओपन होता है और डिलीवरी वॉल्व क्लोज होता है अब पिस्टन जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएगा एक्सट्रीम राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो सिलेंडर पे जो लिक्विड है उस पर प्रेशर एनर्जी बढ़ने लगती है ओके okay? और उस टाइम पर सेक्शन वॉल्व बंद हो जाएगा डिलीवरी वॉल्व खुल जाएगा और हाई प्रेशर वाला जो लिक्विड है वो डिलीवरी पाइप से होता हुआ बाहर निकल जाएगा ओके okay? यही चीज इसके वर्किंग में है ओके okay? और यही आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा तो आई होप आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप का वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ आ गया होगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट कीजिए मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा मिलते हैं नेक्स्ट में रेस, नेक्स्ट रेसिप्रोकेटिंग के पास